यूजेस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। इनका यूज़ हम लास्ट टॉपिक में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर चुके हैं ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एक कंपाउंड को या तो हम हीट देते हैं, जो रिएक्शन जिस भी तरह होती है, या तो हीट से होगी, या इलेक्ट्रिसिटी से होगी, या सनलाइट के प्रेजेंस में होगी, या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी। कैटलिस्ट में क्या होता है कि जो मीथेन होता है CH4, उसे कैटलिस्ट करते हैं, तो कार्बन और 2H2 सेपरेट हो जाते हैं। अब देखिए, अब कोई किसी भी तरह प्रोसेस होता है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एक कंपाउंड को अलग अलग सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस में क्या तोड़ देती है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले इसका यूज़ मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए किया जाता है। मेटल ऑक्साइड, जैसे कि मैंने हमारे पास जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जो कि सॉलिड है। अगर हमने इसको मान ले हीट दे रहे हैं हम इसे, तो अगर हम हीट देंगे ना, तो ये क्या करेगा, ZnO जिंक ऑक्साइड में सेपरेट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में सेपरेट हो जाएगा। यानी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में स्प्लिट हो गया, टूट गया, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसे कि मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले रहे हैं, उसमें से एल्यूमिनियम निकालना है, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो क्या होता है, 2Al2O3, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2Al2O3, जो कि हमने मोल्टन स्टेट में लिया है, लिक्विड स्टेट में लिया है। इसकी हम डिकम्पोजिशन करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। डिकम्पोजिशन कहाँ से करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। तो ये 4Al एल्यूमिनियम यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना, 4Al सेपरेट हो जाएगा और 3O2 सेपरेट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो जाएगी। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी निकालते हैं, इसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है, हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो हम करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, सोडियम जनरेट करेंगे, 2NaCl सोडियम क्लोराइड, हमने मोल्टन स्टेट में ही इसे भी लिया है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो 2Na सोडियम सेपरेट हो जाएगा और Cl2 सेपरेट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है, ये क्या होते हैं, ये जो रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शन में हम हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसे कुछ देना पड़ता है तोड़ने के लिए इसे, या तो हीट देनी पड़ेगी, या इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, या लाइट देनी पड़ेगी, कुछ भी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हमें तोड़ने के लिए, तभी ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।